विदेश में अवैध संपत्ति मामले में ईडी के बुलावे पर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा आज फिर ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए पहुंचे। दिल्ली के जामनगर स्थित ईडी ऑफिस में करीब 4 घंटे तक पूछताछ के बाद वाड्रा लंच के लिए बाहर आई। आइए आपको बताते हैं कि अभी तक की पूछताछ में उठाए गए सवाल किस तरह के हैं और ईडी कैसी इन्फॉर्मेशन रॉबर्ट वाड्रा से निकालना चाहते हैं। संजय भंडारी के चचेरे भाई शिखर चड्ढा से क्या संबंध है? मेरे दोस्ताना संबंध है, व्यापारिक संबंध नहीं। लंदन में कई बार मुलाकात हुई थी। मनोज अरोरा कौन है और आपसे उनकी पार्टी के संबंध में क्या डील हुई? मनोज अरोरा मेरे कर्मचारी थे और काफी समय से मेरे साथ नहीं है। प्रॉपर्टी के संबंध में उनसे कभी कोई डील नहीं हुई। अगर डील नहीं हुई तो मेल से क्या दस्तावेज भेजे गए उन्हें? मैंने कभी उन्हें कोई मेल किया ही नहीं, यह आरोप सरासर गलत है। आपके पास लंदन में प्रॉपर्टी है और उसके संबंध में आपकी मनोज संजय से क्या डील हुई थी? मेरे पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ किसी तरह की कोई संपत्ति नहीं है और न ही कोई लेन देन हुआ। 2005 से 2010 के बीच आपने 3 विला, 8 खाली प्रॉपर्टी सहित 6 फ्लैट खरीदे? नहीं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। बता दें कि ये पहला मौका है जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा संदिग्ध वित्तीय लेन देन के आपराधिक आरोपों के सिलसिले में देश की किसी जाँच एजेंसी के सामने पेश हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।